उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में भाजपा पार्टी द्वारा वरिष्ठ नेताओं को भेजकर किसानों और कमीशन एजेंटों को समझाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। यहां आपको यह भी जानना जरूरी है कि भाजपा द्वारा यह कदम क्यों उठाया गया है। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में किसान विधिक बिल को लेकर सड़कों पर उतर आए थे। हर तरफ किसान बिल का विरोध करते हुए केंद्र सरकार से बिल को वापस लेने की अपील करते हुए किसान नजर आ रहे थे, तो वहीं मंडियों में कमीशन एजेंटों द्वारा भी सरकार के लिए बुद्धि शुद्धि हवन करवाए जा रहे थे, जिसको लेकर हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था, जिससे बीजेपी सरकार द्वारा अपनाई गई गलत नीतियों की जमकर निंदा की जा रही थी, जिसको लेकर भाजपा पार्टी द्वारा वरिष्ठ नेताओं को भेजकर किसानों और कमीशन एजेंटों को समझाने का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पहुंचे राज्यसभा सदस्य हरनाथ सिंह यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मंडल प्रवास कार्यक्रम का आयोजन किया। यहां उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो वहीं वे मीडिया से रूबरू भी हुए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के हित में जो विधिक बिल पारित किया है उसको लेकर विपक्षी पार्टियां किसानों को भ्रमित कर रही हैं। समाजवादी पार्टी में पैसे का बंदरबांट किया जाता था, अब सीधा किसान के खाते में पैसे पहुंच रहे हैं, जिसका काम भाजपा कर रही है। उन्होंने बताया कि वह भी किसान के बेटे हैं। उन्होंने कहा कि जो विरोधी दल विरोध कर रहे हैं वह किसानों के शत्रु हैं। विपक्षी पार्टी नहीं चाहती कि किसानों के चेहरे पर मुस्कान आए और जो लोग दलाल हैं वही अफवाह फैला रहे हैं। मैनपुरी से संवाददाता गौरव पांडे की रिपोर्ट। मैनपुरी में आए हैं, मुख्य उद्देश्य क्या, ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं? देखिए, आपकी जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को ताकतवर बनाने के लिए, बहुमूल्य बन देने के लिए अभी संसद के अंदर 3 किसानों के हितों में कानून बनाए हैं। ये कानून जब जमीन पर आ जाएंगे तो किसान का चित्र, चरित्र, चाल, चेहरा, उसकी तस्वीर और तकदीर सभी बदल जाएंगे। और ये कानून ऐतिहासिक कानून, परंतु विरोधी दलों के, कांग्रेस और अन्य जितने विरोधी दल हैं, उन्होंने एक गलत प्रचार करके किसानों को बरगलाने का काम किया है। मैं इसी दृष्टि से पार्टी के सारे सांसद, बड़े बड़े नेता हर जिले के अंदर जा रहे हैं। बंद कर दो। तो मैंने आज पत्रकार साथियों के साथ, अपने जनता युवा मोर्चा के लोगों के साथ, इस मंडल के लोगों के साथ मैं इन सब चीज़ों पर चर्चा कर रहा हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो विरोध करने वाले वो लोग हैं जिन्होंने 60 वर्ष देश के ऊपर राज किया, किसान का लहू पिया, और आज जो किसान की तबाही है, बर्बादी है, इन्हीं कांग्रेस और जो अन्य विपक्षी दल है वो उनकी एक साजिश का परिणाम है। कांग्रेस ने हमेशा नीतियां ऐसी बनाई जो किसान जो है कभी ताकतवर न बने, इस प्रकार की नीतियां बनाई, उसी का परिणाम आज ये जो कानून आए हैं उनके मैं 2-3 बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूं। नहीं सर, अभी जो कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा जो आया है सर, देश का प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर के बार बार ये कह रहा है, बाहर आके कह रहा है जनता के बीच में कि न्यूनतम समर्थन मूल्य रहेगा, मंडियां चलेंगी। हाँ, इतना जरूर है। तो इसके बाद भी प्रधानमंत्री संसद में खड़े कह रहे हैं और आप इसके बाद भी और गुमराह लोगों को करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी जो मानसिकता है दूषित है, खराब है। अब देखिए, उसमें कोर्ट से फाइनल डिसीजन आने के बाद कृष्ण जन्मभूमि का मामला कोर्ट में पहुंच गया, ऐसे में आप क्या कहते हैं? मैं व्यक्तिगत तौर से इस मत का हूँ कि कृष्ण जन्मभूमि पर बलात् रूप से जो मस्जिद खड़ी की गई है, मुसलमान भाइयों को बड़ा दिल करके, क्योंकि भगवान कृष्ण इस धरती के कण कण में समाये हुए हैं, अगाध हमारी श्रद्धा है, और देश के अंदर, देश के बाहर लोग उनको पूजनीय मानते हैं, प्रेरणा का पुंज मानते हैं। तो मुस्लिम भाइयों से मैं अपील करता हूँ कि वो अपने को दिल चौड़ा करके और
वो जो हिस्सा जो दबा रखा है मस्जिद के रूप में वो हिंदुओं को कृष्ण भगवान कृष्ण को सौंप, और दूसरे इस्लाम में ये प्राविधान लिखा हुआ है कि यदि गैर कानूनी तरीके से यदि कहीं मस्जिद बनाई गई है, यदि वहाँ पर इबादत की जाएगी तो खुदा उस इबादत को स्वीकार नहीं करेगा। तो खुदा की बात ही मान लो भाई, खुदा ने जो कहा है उसी को स्वीकार कर लो। तो इसलिए मैं इस मत का हूँ कि वहाँ पर जो मस्जिद है वो हटनी चाहिए। कुछ लोग कोर्ट में गए हैं, कोर्ट फैसला करें, और मैं इसके लिए कृष्ण जन्मभूमि पर क्या नाम है जो जो पुण्य का काम है, ईश्वरीय काम है, श्रेष्ठ काम है, मेरा पूरी तरीके से प्रतिबद्धता है, पूरी तरीके से मैं उसके लिए उस काम के लिए का समर्पित। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।